आइए आपको चावल की तैयारी बनाने का तरीका बताते हैं। ये कटोरी चावल हैं, ये सब्जियां हैं। सब्जी में आलू है, गोभी है, गाजर है, टमाटर है, और आपके पास और कुछ भी हो तो और भी डाल सकते हैं। मेरे पास इतना ही सामान था। ये मटर है, ये मिर्च हैं, ये मसाला है, गरम मसाला है, ये हल्दी है, ये प्याज कटी हुई रखी है। पहले मैं तेल डाल के इसमें प्याज भूजूंगी। अब इसमें कुकर में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब गरम हो जाएगा तो इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे। अब मेरा तेल गरम हो गया है, इसमें जीरा डाल दिया, थोड़ी सी हींग डाल दी है, थोड़ी सी लौंग भी डालेंगे। इससे चावल गरम हो जाते हैं, कम ठंडे रहते हैं, बच्चों को दिक्कत नहीं होती। अब प्याज डालेंगे, थोड़ी देर हम प्याज को भूजेंगे, लाल पड़ जाएगी तब इसमें मसाले डालेंगे। आइए अब हल्दी डालते हैं। हल्दी को मैं सीधा ऐसे नहीं डालती हूँ, पानी में घोल के डालती हूँ, इसलिए हल्दी जलती नहीं है। हल्दी अब मेरी भुज चुकी है, इसे मैं चला रही हूँ। अब देखो हल्दी पक चुकी है, तेल अलग होने लगा है। अब इसमें मैं सब्जियां डालूंगी, थोड़ी देर सब्जियों को भूजूंगी इसी में, तब चावल डालूंगी। मेरी सब्जी कलर छोड़ने लगी है, इसमें मटर डालूंगी मैं। दो मिर्ची काटी थी, मिर्ची डालूंगी, ये थोड़ा खिलाते रहेंगे। अब इसमें मैं चावल डालूंगी, सारा सामान डाल के मैं इसे चला दूंगी। चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी ऊपर से, फिर नमक डालूंगी। नमक हम सेंधा खाते हैं, आप कौन सा खाते हो वो डाल सकते हो। इसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे, 1 कप पहले डाल दिया था, आधा कप अब डालूंगी। अब थोड़ी देर के लिए से 2 सीटी आने के लिए पकने के लिए रखेंगे। जब सीटी तो मेरे चावल खिले खिले चावल बनके तैयार हो गए हैं, कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अब इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते डाल के खाने के लिए तैयार हो गए। अब इसमें मैं धनिया के पत्ते डाल रही हूँ, काट के रख लिए थे मैंने। मेरी तहरी बनके तैयार हो गई, आप इसे खा सकते हो, खाने के लिए रेडी है। प्लीज़ मेरा चैनल शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।